नमस्ते, मेरा नाम है स्मृति कालरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था एंड कहते ना कितने पानी में हो, सो दैट्स समथिंग दैट इज इंटरेस्ट मी। आई डोंट थिंक आई विल एवर बी ऑन बिग बॉस, सो या इट इज अ चॉइस। एक ऐसा शो आता है जहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, यू इंटरैक्ट। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। आपको ट्रैवल करना है, पासपोर्ट है, नहीं कहीं बाहर घूम रही है तो वो भी एक काइंड ऑफ हो जाता है, यू नो सेफ्टी रीजंस बहुत से आ जाते हैं। सो हाउ हैज बीन दैट होल एक्सपीरियंस ऑफ सोलो ट्रैवलिंग? सो लास्ट ईयर 2023 आई डिड लॉट ऑफ सोलो ट्रैवलिंग। आई एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड आई एम वेरी ग्लैड आई डिड दैट, यू नो। एंड यू नो इफ यू हैव एन एडवेंचरस हार्ट, यू हैव एन अजाइल बॉडी, यू हैव अ एक्टिव प्रेजेंट माइंड, आप वेल इक्विप्ड हैं सोलो ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि और मैं आपको सच्ची बोलूं, सोलो ट्रैवल करते हुए होते ना बी प्रेजेंट, बी इन द मोमेंट, तो वो प्रेजेंट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट की जो एक्सरसाइज थी वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी हो गई मेरी। बिकॉज व्हेन यू ट्रैवलिंग सोलो आप अपने ऊपर भी निर्भर करोगे और तो कोई है नहीं, तो आप एकदम अलर्ट रहते हो, ज़्यादा इन द मोमेंट रहते हो, चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हो एंड आपका होलसम एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो जाता है ना। तो ए दिस इज दैट वन लर्निंग। एंड ऑल्सो ना मुझे कहीं ना कहीं 2023 में लगने लग गया था कि विल आई बी एबल टू मैनेज अलोन, दिस थॉट हैड कम टू माई माइंड। एंड मैंने एक कोट पढ़ा था दैट इफ लाइफ इधर हैज टू बी एन एडवेंचर और नथिंग एट ऑल, हेलेन केलर का कोट है। मैंने वो पढ़ा एंड इट्स स्टक इन माई हेड एंड आई सेड कालरा you have to go out, and that was the seed of me traveling. And trust me, I've had such a blast. I've met such interesting people. You have to be present, you have to be cautious, you have to know aap mein kya negatives hain, drawbacks hain and kya aapke positives hain, and usko aap maneuver karke travel karte ho. Agar aapko, aap aise insaan hai ki gaadi start hoti hai aur aapko neend aa jati hai, to please aap solo travel apne aap nahi kar sakte. You never know आप कहाँ पहुँच जाओ, so you should know क्या क्या issues हैं and क्या क्या positives हैं if you're someone कि आप you are able to chat quickly with people, that will help you a lot in solo traveling. So I made lot of friends, lot of people surprise. आप अकेले हो, अकेली लड़की जो आपने बोला, बिल्कुल ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ, but you know at the same time जब उनको लगा लड़की अकेली है, everybody actually protected me also. Seriously and मुझे रियलाइज हुआ था, हम कहते हैं इट्स अ बिग बैड वर्ल्ड, नो इट इज अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, यू हैव टू बी कॉशियस, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर हार्ट ओपन। बिकॉज जब आप इम्ब्रेस करते हो ना, लोग आपको इम्ब्रेस करते हैं, आप बेवकूफ़ मत बनिए कि आपको पता है कि सामने एक गड्ढा है तो मैं जाऊँ, तो आपकी सेंसिबिलिटी होती है, आपको दिख रहा है गड्ढा, आप साइड से निकलिए एंड साइड में निकल के आपको जो मिलता है उसको हेलो हाई कीजिए, पीपल इम्ब्रेस यू। एंड नॉर्थ ईस्ट मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, सच अमेजिंग पीपल एंड नॉर्थ ईस्ट गर्ल्स, वेरी सेफ फॉर गर्ल्स टू ट्रैवल सोलो, वेरी सेफ। राइट, जैसे आपने कहा कि आप एक शो करते थे फिर आप गायब हो जाते थे एंड रियलिटी शोज से आप मोस्टली दूर रहे हो, बट कभी बीच में ऑफर वगैरह आए थे, चाहे फिर बिग बॉस हो या झलक दिखला जाओ, बहुत से शोज होते रहते हैं हमारे एवरी ईयर, आई थिंक 3 से 4 तो रियलिटी शोज होते ही है, तो कभी कोई ऑफर आया था, आपने सोचा करूं फिर मे बी स्टेप बैक ले लिया, कैसा रहा था वो, कभी आया है ऑफर? हाँ जी, ऑफर आया है एंड मैंने खतरों के खिलाड़ी किया था, दैट टू cheer someone and also खतरों के खिलाड़ी, आई रेजोनेट विद इट बिकॉज इट इज चैलेंजिंग योर सेल्फ एंड कहते ना कितने पानी में हो, सो दैट समथिंग दैट इज इंटरेस्ट मी। बिग बॉस इज नॉट रियली माई फॉर्मैट, सो आई डोंट थिंक आई एवर बी ऑन बिग बॉस, सो या इट इज अ चॉइस इज यू मेड एंड आई मेड अ कॉन्शियस चॉइस टू keep myself away from reality TV. But if there is a very unique concept, like aisa koi, I'm not going to take the name, but ek aisa show aata hai jahan pe young entrepreneurs hote hain, you interact,
आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट यू नो राइट आई वुड लव टू बी एन एंकर इन दैट इन फैक्ट यू नो इट्स अ रियलिटी शो यू गेट टू लर्न सो मच and are you expanding your horizons you're learning so am I speaking too much english no it's fine proper, no yeah, yeah. so you get to learn so much so I would love to be in reality shows like that ek bahut pehle ek show nahi aata tha ki aapko travel karna hai passport hai nahi I used to be, and most of the times they were all in this andheri area and I used to be in south I was like kabhi south mumbai aao mujhe milo mera passport ready hai main chalne ke liye taiyar hoon I would love to be a part of that such shows so please make such fun reality shows where reality is shown I will be a part of it right so what's happening next kagaz tooth of course now people are going to watch it praise your performance praise the movie but after that where do we see you next now I really don't know where life is going to take me I want another new adventure I am waiting for it to happen I am open to anything and everything anything that I as I say I get to learn I get to grow and anything new. So right. that is it right. this is where I stand